है एवरीवन, वेलकम बैक टू द अदर न्यू ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? फिर से एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है और बहुत दिन के बाद फिर मैं आया हूँ नया स्टॉक के साथ, नए वीडियो के साथ। नया स्टॉक है, गया है, सब तरह का स्टॉक है, स्कूटी, बाइक, बुलेट, सब तरह का नया स्टॉक आ गया है। वही जो पहले जो था वही हेलमेट, हेलमेट चाहे हेलमेट लीजिए, नाम प्लस फ्री, या फिर 5 लीटर पेट्रोल। तो मैंने ली इम्पीरियल 400 है, ठीक है। तो एकदम गाड़ी ज़्यादा चला भी नहीं है, एकदम न्यू कंडीशन में है, 8000 चला है गाड़ी का। गाड़ी तो 2021 मॉडल का गाड़ी है, नंबर भी एक अच्छा नंबर ही दिया हुआ है गाड़ी में, 6003, ठीक है। तो इसका आस्किंग प्राइस रखा है 145। हाँ जी, और इसमें नेगोशिएबल थोड़ा बहुत हो जाएगा, नेगोशिएबल ऑन टेबल हो जाएगा, ऑन टेबल हो जाएगा आने से, फाइनेंस वगैरह इसमें तो हो ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है एकदम। तो गाइस देख सकते हैं बेंडली का है, भी बुलेट का कंप्रेसर इसके साथ करते हैं अच्छा कंडीशन में। तो उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पर R15 है, इसका क्या प्राइस पड़ेगा? R15 ये अब ये भी एकदम न्यू कंडीशन में है, सिर्फ धूल लगा है। तो जब आएंगे वॉशिंग पॉलिश सब कर देंगे हम। तो ये 2021 का मॉडल है, ये शायद 9000 जैसे चला है, 9000 जैसे चला है। तो इसका आस्किंग प्राइस है 152। लेकिन 152 में आपको R15 मिल जाएगा, इसमें फाइनेंस वगैरह इसमें भी हो जाएगा, सब कर देंगे, कैश में भी हो जाएगा, नेगोशिएबल हो जाएगा। और न्यू ईयर का जो सेल चल रहा है उसमें ऑफर तो है ही है, अगर आप चाहे हेलमेट लीजिए या पेट्रोल लीजिए, या फिर अगर लोकल आवा है तो आपका नाम टसल भी हो जाएगा। तीनों में से कोई भी एक चॉइस करेगा। ये हम लोग का रेगुलर ही सेल चल रहा था, न्यू ईयर में तो थोड़ा और भी थोड़ा और हो जाएगा, कर देते हैं जितना भी होता है। बगल में अपाची 160 है व्हाइट कलर में, इसका क्या प्राइस पड़ेगा? अपाची व्हाइट कलर में, ये आपका BS6 मॉडल है, BS6 मॉडल है और आपका ABS मॉडल है। तो ये शायद 10000 जैसे चलाएगा। तो ये आपका 2020 का मॉडल है, तो इसका आस्किंग प्राइस पकड़ लीजिए 85 जैसा, 85 में आपका अपाची 160 आ जाएगा। थोड़ा बहुत इसमें नेगोशिएबल वगैरह हो जाएगा। और उसके बाद आप देखते हैं स्कूटी है सर, इसका क्या प्राइस पड़ेगा? इंटॉक रेस एडिशन है, ये भी कम चला हुआ है गाड़ी। तो आए कंडीशन पहले देखिए, आप गाड़ी लेने से पहले तो कंडीशन देखना पड़ता है। हाँ। तो कंडीशन देखिए फिर हमको बोलिए। तो ये आपका 2020 का लास्ट का मॉडल है, ठीक है। तो ये आपका पड़ जाएगा, पकड़ लीजिए 65000 तक आ जाएगा, 65000 में इंटॉक रेस एडिशन मिल जाएगा। हो जाएगा ये आस्किंग प्राइस हो जाएगा, लेटर टाइम सर्विसिंग सब कुछ करके दिया जाएगा। और बगल में जैसे थोड़ा ज़्यादा चलने वाला स्कूटी अभी एक और आया, यामाहा का 125, ZR 125, ठीक है। ये आपका माइलेज बहुत अच्छा है, तो ये हिल्स में भी आसानी से चल जाता है। गाड़ी भी थोड़ा हार्ड क्वालिटी का, गाड़ी भी बहुत हार्ड क्वालिटी का है। तो इसका प्राइस पड़ जाएगा, ये 21 मॉडल का ही गाड़ी है, 2021 मॉडल। हाँ, ये आपका प्राइस पड़ जाएगा, पकड़ लीजिए 68000। तो MT ये आपका 2021 का लास्ट का मॉडल है, ठीक है, 22 के पकड़ सकते हैं आप। तो गाड़ी ये भी 8000 जैसे चला है गाड़ी। तो गाड़ी में स्क्रैच वगैरह कुछ भी नहीं है, डेंट वगैरह कुछ नहीं है। तो जब गाड़ी देंगे आपको मैं मिरर लगा के दूंगा, ऑलरेडी मिरर है इसमें, मिरर है, तो जो ओरिजिनल होता है वो भी दे देंगे हम। अच्छा। ठीक है, तो इसका प्राइस पकड़ लीजिए 148 तक आ जाएगा ये, 148। हाँ जी, 148 में आपको MT आ जा रहा है। ये डबल डिग्स डबल ABS के साथ आता है, BS6 मॉडल है। तो गाड़ी 100 ही था, तो स्क्रैच वगैरह कुछ नहीं है, नया कंडीशन में है। तो इसका प्राइस पकड़ लीजिए 162 तक आ जाएगा, 162। स्टील ब्रेक बोलते हैं ये, BS6 का मॉडल है। तो ये 2020 का आखिर का मॉडल है, लास्ट का मॉडल है। गाड़ी चला है मोटा मोटी मालूम नहीं, तो 17-18000 होगा, चला होगा ये लगभग, ये हाँ लगभग। तो ये आपका फुल्ली ब्लैक में आता है, मैट ब्लैक, ये गाड़ी का डिमांड बहुत है। तो ये पड़ जाएगा, पकड़ लीजिए ये 165 तक आ जाएगा। इसमें अलॉय व्हील दिया हुआ है, अलॉय डबल डिस्क डबल ABS के साथ आता है ये, ठीक है। बगल में एक्टिवा 125 है, ये आपका 125cc का है, 2017 का मॉडल है ये, ठीक है। तो गाड़ी अच्छा कंडीशन में है, तो इसका प्राइस पकड़ लीजिए 45 तक आ जाएगा, 45 में आपका एक्टिव 125 आ जा रहा है। और भी एक सिल्वर मेटल ग्रे में आपका बुलेट आ रहा है, उसका क्या प्राइस पड़ेगा? बुलेट वो आपका गन मेटल ग्रे बोलता है, तो पड़ जाएगा 158000। 158 में ग्रे मेटल मिल जा रहा है। और बगल में एवेंजर 220 की 160 है, वो आपका 160 है,
160 है वो आपका BS4 मॉडल का ये, तो वो भी 19 का गाड़ी है मगर डबल ABS के साथ आ रहा है, डबल ABS है, न्यू मॉडल का गाड़ी है। ठीक है, तो इसका प्राइस पकड़ लीजिए, आस्किंग प्राइस है 82,000 में एवेंजर आ जाएगा, बगल में हीरो का एक्सपल्स 200 ये 2020 का मॉडल है, गाड़ी अच्छा कंडीशन में है। ठीक है, तो इसका प्राइस पकड़ लीजिए पड़ जाएगा, ये एकदम कम में आ जाएगा, कम में आ जाएगा, ये 2020 का गाड़ी है, ये आपका ABS के साथ आ रहा है, तो ये आपको 68 तक कर देंगे, 68 में आपको एक्सट्रीम एक्सपल्स आ जा रहा है। उसका बगल में NS160 है, इसका क्या पड़ेगा? NS160 है, ये आपका 2019 का मॉडल है, 19 का लास्ट का मॉडल है, BC पकड़ सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आपका डबल ABS के साथ आ रहा है, 160 में ABS नहीं आता है, मगर ये गाड़ी में ABS डबल ABS आ रहा है, डिस्क भी है, डिस्क डबल ABS के साथ आ रहा है। तो इसका प्राइस पकड़ लीजिए पड़ जाएगा, आस्किंग प्राइस है 85,000 में आपको NS160 मिल जा रहा है। उसका बगल में एक और है, उसके बगल में ग्लैमर है, 2019 का मॉडल है, ये भी डिस्क वाला ग्लैमर है, डिस्क वाला ग्लैमर है, ये आपका अच्छा कंडीशन में है, तो इसका आस्किंग प्राइस कम ही है, तो इसका प्राइस पकड़ लीजिए आप 53,000 में आ जाएगा, 53,000 उन्नीस का लास्ट का है, रीजनेबल प्राइस में भी है। और बगल में पल्सर नियो है, 125 नियो, तो ये 19 का मॉडल है, तो गाड़ी शायद 12,000 जैसे चला है, तो इसका प्राइस पकड़ लीजिए 68 तक कर देंगे हम, 68 में नियो आ जाएगा पल्सर का। और उसका बुलेट है आपका, एक बहुत ही अच्छा कलर, यूनिक कलर है, कस्टमाइज किया हुआ है, कस्टमर ने ये मॉडिफाई किया हुआ है, तो इसमें एक रुपये भी खर्चा नहीं होगा आपका। गाड़ी का इंजन भी एकदम अच्छा है, बहुत बढ़िया कंडीशन में, नया गाड़ी है लगभग, नया लगभग है, मगर ये थोड़ा पुराना है, मगर देखने से आपको नया लगेगा। ठीक है, तो इसका प्राइस पकड़ लीजिए एकदम, ये एकदम कम में आ जाएगी, ये आपको हम 82,000 में दे देंगे, 82,000 में बुलेट ले जाइए आप, 82,000 को ये वाला बुलेट मिल जा रहा है। और बगल में जैसे अपाची है 160 V4 है, ये आपका ABS मॉडल है, ये ABS मॉडल है, 2019 का गाड़ी है, ABS मॉडल है, इसका प्राइस पकड़ लीजिए 78 तक आ जाएगा, 78 में आपको ये भी आ जा रहा है। बगल में एक और है, एवेंजर 220 होगा, 220 है, 220 स्ट्रीट है, ये आपका 2016 का मॉडल होगा शायद, तो एलॉय दिया हुआ है इसमें, एलॉय के साथ, ये आपका पकड़ लीजिए 58 तक इसको कर देंगे हम, 58। उसका बगल में कौन सा बाइक है, FZ है, पुराना मॉडल है, पुराना मॉडल है, तो इसका 2015 का मॉडल है, इसका प्राइस कम ही है, तो ये 45,000 में आ जाएगा, 45 में यहाँ आ जा रहा है। उसका बगल में एक और है, पल्सर 150 है, ये आपका 2019 का मॉडल है, तो इसका प्राइस पकड़ लीजिए 72 तक आ जाएगा, 72 में पल्सर आ जा रहा है। और बगल में एक और ग्लैमर है, नया वर्जन है, ग्लैमर ये BS6 का है, तो 2020 का ही मॉडल है, तो इसका प्राइस पकड़ लीजिए 62 तक आ जाएगा, 62,000 में आ जाएगा, 62 में ग्लैमर ये वाला आ जाएगा रेड कलर में। बगल में प्लेजर है, उसका क्या पड़ेगा? प्लेजर 2019 का मॉडल है, न्यू मॉडल में आ रहा है प्लेजर, तो इसका आस्किंग प्राइस पकड़ लीजिए 45,000। बाहर में कुछ बाइक सब डिस्प्ले किया है, वहाँ का चले देख सकते कौन सा बाइक क्या प्राइस में। और यहाँ पर बुलेट है रेड कलर में, उसका क्या प्राइस? रेड कलर में ये आपका 2017 का आखिर का मॉडल है, ABS मॉडल है, सॉरी डबल एलॉय के साथ आ रहा है, एलॉय के साथ आ रहा है, इसका प्राइस पकड़ लीजिए 1,15,000 तक आ जाएगा, ये 1,15,000 तक आस्किंग प्राइस है, आस्किंग प्राइस कम तो हो जाएगा। और XS125 इसका क्या पड़ेगा? XS125 ये आपका 2019 का मॉडल है, तो ये आपका प्राइस पकड़ लीजिए एक्सेस का 52,000 में 19 का मॉडल मिल जाएगा। गाइस 19 का मॉडल एक्सेस मिल जाएगा, हाईलाइट 3G है, ये आपका 2017 का मॉडल होगा, तो इसका प्राइस पकड़ लीजिए 42,000 में दे देंगे, 42,000 चलिए 40 तक कर देंगे, 40 तक में आ जाएगा ये स्कूटी। और बगल में इंटॉक है ब्लू कलर में, इसका ब्लू कलर में इंटॉक है, ये आपका 2019 का मॉडल है, 2019 का इंटॉक है, ये आपका पकड़ लीजिए 58 तक आ जाएगा, ये 58 तक आ जाएगा। फिलहाल और एक NS200 इसका क्या पड़ेगा? ये आपका NS200 ये आपका 2020 का मॉडल है, ABS के साथ आ रहा है ये, तो ये इसका प्राइस पकड़ लीजिए ये 90 तक आ जाएगा, 90 तक में ये भी आ जा रहा है। बगल में एक और डियो है, ब्लैक कलर है, मैट कलर में, इसका क्या पड़ेगा? हंटर डियो है इसमें, तो इसका ये आपका BS6 का मॉडल है, तो BS6 ये पकड़ लीजिए आपका, इसका प्राइस पकड़ लीजिए 58 तक इसको भी कर देंगे, 58 तक।
और वहाँ पर एक ग्लैमर है, उसका क्या पड़ेगा? ब्लू कलर में ग्लैमर, ब्लू कलर में ग्लैमर है, ये आपका 2018 मॉडल का है शायद, ये डिक्स मॉडल है, तो इसका आस्किंग प्राइस एकदम कम है, 45 रखा है, 45 तो नेगोशिएट तो हो जाएगा आने से। गैस फिलहाल अभी इतना ही, और भी स्टॉक भीतर में है, तो गैस उतना अगर बढ़ाऊंगा उसका ज़्यादा लॉन्ग बन जाएगा वीडियो। अब आइए यहाँ देखिए और आपको समझ में आ जाए। करते नहीं, मैं आपको नया नया वीडियो लाते रहूँगा बहुत ही जमा है उसके लिए।